जो दत्ता से सामने आए वो, और जो कांड प्रतिवेदित कराया गया था वो थोड़ा उसमें विरोधाभास था। इसके लिए गोला गतनी समाचार बटुए बक्सर से खबर के हेडलाइन सुनी। रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन बा कि आपसी वर्चस्व के लेके जेल से रचल गिल रहे दुर्गेश के मुआवे के साजिश। यह मामला में 6 जना गिरफ्तार। एसपी साहब का कहनी सब कुछ भोजपुरी समाचार दिखाई। लेकिन चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं की कैले तो सब्सक्राइब करी, लाइक के बटन दबाई, शेयर जरूर करब। खबर का बा विस्तार से जानी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 11 नंबर लॉक के पास भइल दुर्गेश सिंह हत्याकांड के खुलासा करत 6 गो अपराधी के हथियार आ मोटरसाइकिल के साथे गिरफ्तार क के जेल भेज दिया गई। एसपी नीरज कुमार सिंह प्रेस वार्ता करत कांड के उद्भेदन कैनी। दुर्गेश तरौरा सबके बता दी कि यह हत्याकांड के उद्भेदन हो गई बटुए दुर्गेश सिंह के हत्या आपसी वर्चस्व के लेके जेले से रच दिया गिर रहे। हत्याकांड के सुपारी सासाराम के 2 गो शूटर के दिया गिर रहे, जेकर लाइनर के भूमिका मुए वाला के 2 गो दोस्त कैलन। पुलिस हत्याकांड के खुलासा करे के लेके एसपी साहब सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी के गठन कैनी। टीम कांड के खुलासा करत एक बार शूटर समेत 6 गो अपराधी के गिरफ्तार कर ललस। एसपी नीरज कुमार सिंह बतैनी कि दुर्गेश सिंह के हत्या आपसी वर्चस्व के लेके भइल रहे, कारण से कि गांव में दुर्गेश सिंह अपना आप के दबंग बतावत रहन। बेऊर जेल में बंद बैरिया गांव के दिलीप यादव अपना सहयोगी से दुर्गेश सिंह के मुआवे के अपन दबंगइता साबित करे खातिर ये घटना के अंजाम दीवा दिलन। यहाँ के बतैनी कि पुलिस विकास यादव और सुमित कुमार के गिरफ्तार करके पूछताछ कैलस तो हत्याकांड में अपन संलिप्तता स्वीकार करस मामला के खुलासा कैलो। पुलिस के पूछताछ में दोनों बतैलन कि महदह गांव में 17 दिसंबर के अरुण यादव के घर एगो बैठक क के योजना बनावल गई। बैठक में अरुण यादव, विकास यादव, सुमित कुमार आ सासाराम के 2 गो शूटर, रामदेश्वर कुमार, श्याम कुमार हत्या के दिन महदह पुल पर रेकी करे खातिर विकास के लगावल गई। हत्या के दिन सुमित के पीसी कॉलेज के पास दुर्गेश बतैलन कि बभनी गाँव जाके तुरंत लौटे के बाद, जबकि एक सूचना मुए वाला के दोस्त सुमित, अरुण यादव आ विकास यादव के दिलन। विकास इनकर रेकी करत रहन। दुर्गेश जैसे ही बभनी गांव से लौटलन तबे दोनों शूटर 11 नंबर लॉक के पास गोली मार के मुआ दिले। बतैलन कि हत्याकांड में संलिप्त रामेश्वर कुमार, श्याम कुमार, शादी कदी, ओम प्रकाश यादव, विकास कुमार आ सुमित के गिरफ्तार क के जेल भेज दिहल बा। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी कुमार सिंह नीरज कुमार सिंह बतैनी कि दुर्गेश हत्याकांड के दोनों शूटर रामेश्वर आ श्याम कुमार सासाराम जिला के हन। दोनों के ऊपर लगभग 1 दर्जन से ऊपर लूट, फिरौती, रंगदारी, आर्म चेक के मामला दर्ज बा। यहाँ के बतैनी कि दोनों को सासाराम, रोहतास जिला के कई गो थाना में कांड बटुए। दोनों पुलिस हथियार आ हत्या बाई के साथ गिरफ्तार हो गई बढ़ल। पुलिस पूछताछ में दोनों अपन संलिप्तता स्वीकार कर लेल बढ़ल। वर्चस्व के लेके जेल में बंद अपराधी करैले हत्या। दुर्गेश सिंह के हत्या के साजिश गांव के दिलीप यादव पटना के बेऊर जेल से रचलन। हत्याकांड में अपन रिश्तेदार से दबदबा बनावे के लालच देके करैले रहन। यह पुलिस के साथ अपराधी 3 गो हथियार भी बरामद कैले बिया, जौना में 2 गो देसी कट्टा, 1 गो पिस्टल, 12 गो गोली, 6 गो मोबाइल, 1 गो बाइक बरामद भइल बा। एसपी बतैनी कि सब लोग के प्रशस्ति पत्र दिया, जितना टीम हत्याकांड के खुलासा करे में बिया इ लोग के इनाम भी दिया। एसपी साहब का कहनी सब कुछ भोजपुरिया समाचार दिखाई। रोरा सबसे भोजपुरिया समाचार निहोरा करला कि चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की कैले तो बेल आइकन के बटन दबा के चैनलवा के सब्सक्राइब कर ली, लाइक के बटन दबाई, कमेंट करके बताई कि खबर कैसा लागल, अधिक से अधिक शेयर करी, एसपी साहब के बयान सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 को सिकरौल और बक्सर मुख्य मार्ग पर लक नंबर 11 पे दिन के 12 बजे के करीब में एक दुर्गेश नाम के लड़के की गोली मार के हत्या कर दिया गया था। हत्या का भी सनसनीखेज था। इसमें परिजनों के द्वारा नामजद मुकदमे दर्ज किए गए, उसमें से तत्काल उनके जो नामजद थे उनमें से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर किया गया और न्यायिक हिरासत में वर्तमान में उनको जेल में भेजा गया। लेकिन अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए वो, और जो कांड प्रतिवेदित कराया गया था वो, थोड़ा उसमें विरोधाभास था। इसके लिए
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और प्रशिक्षु डीएसपी के नेतृत्व में हमारे पूरे डीआई की टीम और मुफस्सिल थाने धनसोई थाने के को लेके एक टीम का गठन किया गया। इसमें इन लोगों को एक गुप्तचरों के द्वारा एक सूचना मिली कि इसमें एक लड़का जो घटना के समय में उस इलाके में घूम रहा था और अपने दोस्तों से लगातार संपर्क में था, उसकी गतिविधि अगर ठीक ढंग से जांच की जाएगी तो इस हत्या के बारे में कुछ नए तथ्य सामने आएंगे। जो एसआईटी टीम हम लोगों ने जो गठित किया था, उस एसआईटी टीम के द्वारा उस लड़के को डिटेन किया गया और गहनता से उससे पूछताछ किया गया। उस लड़के ने अपने साथ साथ एक अन्य लड़के का नाम बताया, कहा कि मुझे और उस लड़के की दायित्व ये दी गई थी कि दुर्गेश अपने घर से कब निकल रहा है, कहाँ जा रहा है और किन किन व्यक्तियों से मिल रहा है, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके हम लोगों को तुम दो। ये दो लड़के विकास और सुमित थे, जो लगातार दुर्गेश पर नज़र रखे हुए थे। और ये हत्या जो है अचानक स्पॉन्टेनियस हत्या नहीं किया गया। 20 तारीख की हत्या के पहले दुर्गेश पे 3 अटेम्प्ट और लिया गया था। टीम के सारे सदस्य जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे कर्मी हैं, जो लगातार दिन रात काम किए बिना ये सोचे हुए कि ठंड है या मौसम है गड़बड़ है या 21 दिसंबर या 1 जनवरी है, इसको बिना सोचे हुए लगातार ये काम करते रहे। और आज इस हम जगह पे हैं कि कान का बड़े त्वरित ढंग से उद्भेदन हुआ है। तो जो भी हमारे कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको प्रशस्ति पत्र देंगे। साथ ही साथ जो है कि वरीय पदाधिकारी को इनके बारे में जो है जानकारी देंगे कि इनको जो है कि अन्य जो है कि पुरस्कार से जो है इनको नवाजा जाए। जो हमारे जो सिपाही संवर्ग के कर्मी हैं और थाना प्रभारी कर्मी स्तर के कर्मी हैं, सब इंस्पेक्टर के कर्मी हैं, उनको मैं कुछ पुरस्कृत करूँगा।